हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग मैं हूं नैन्सी मैम इंग्लिश रिवीजन के साथ तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ मुझे कि आप लोग कैसे हो मुझे पता है फिर भी मैं पूछती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो मुझे ये सुनना है आपके प्यारे प्यारे मुंह से जब आप प्यार से बोलते हो कि मैं मैं बहुत अच्छा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हो ठीक है अपनी क्यूटी क्यूटी आवाज में जब मुझे बताते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है ओके okay, स्टूडेंट्स आज आपका फेस्टिवल है मैं आज आपको तंग नहीं करना चाहती हूँ ठीक है लेकिन बच्चों ये आपका लास्ट है क्योंकि इंग्लिश रिवीजन है इसके बाद फिर क्या होंगे आपके एग्जाम के लिए तैयारी शुरू हो जाएंगे ठीक है तो आप इस क्वेश्चन को देख के अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये आपको मैं पैटर्न दे रही हूँ ये नहीं है कि यही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ठीक है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में ये पैटर्न है तरीका है कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है ताकि जब आपको एग्जाम के क्वेश्चन मिले तो आप बिल्कुल घबराए नहीं ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहले आज आप लोगों का फेस्टिवल है तो हैप्पी बकरीद तो यू ठीक है सबको हैप्पी बकरीद मेरी ओर से तो बच्चों थोड़ा सा समय निकाल करके प्लीज बच्चों आप लोग इंजॉय करो मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ और थोड़ा सा टाइम आप निकालना ठीक है और इसको देख लेना ठीक है ताकि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस में रहो और एग्जाम में मैं चाहती हूँ सारे बच्चे फर्स्ट डिविजन आओ ठीक है ना सिर्फ आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में बल्कि आपको तीनों एग्जाम में फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के एग्जाम में बच्चों आपको फर्स्ट 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 ही लाना है और मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे से मैं पढ़ाई हूं और मुझे ये भी पता है कि आप भी बहुत अच्छे से पढ़े हो और किसी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है समझने में ठीक है ना बच्चों तो मुझे पता है कि सारे बच्चों बहुत मेहनत करोगे और मुझे फर्स्ट चाहिए ठीक है तो जो भी बच्चे अगर कंटिन्यू थ्री एग्जाम अगर फर्स्ट 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 लाएंगे तो उनके लिए प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट है ठीक है मैम की तरफ से लेकिन याद रहे बच्चों तीनों एग्जाम में आपको फर्स्ट ही लाना है ठीक है जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे लेकिन मैं चाहती हूँ सारे बच्चे फर्स्ट आए सेकंड क्यों आना आप इतना पढ़ोगे क्यों फर्स्ट आओ ठीक है बच्चों तो ओके बच्चों हम लोग लेट नहीं करेंगे हम लोग रिविजन का क्वेश्चन देखते हैं ये आपके बुक के अकॉर्डिंग है ठीक है जो आप बुक पढ़ाई कर रहे हो मैं आपको बुक की फोटो दिखा दे रही हूं ये है बच्चों आपकी फोनोडिल की बुक इसी बुक से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं सारे ओके बच्चों ओके बच्चों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं आज का डेट है सी डब्ल्यू टू वन ट्वेंटी वन सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी वन रिविजन है इंग्लिश के यूकेजी क्लास के ही है ये ठीक है और आपको फोनोडिल बुक से है मैं आपको साइड में दिखा दे रही हूं इस बुक से है क्वेश्चन इसलिए यूकेजी के हैं ओके बच्चों आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन राइट डाउन कैपिटल लेटर्स इन कर सेव क्या है बच्चों राइट डाउन कैपिटल लेटर्स कैपिटल लेटर्स इट मीन्स कैपिटल लेटर्स इट मीन्स बड़ी वाली लेटर लिखना है इन करसिव कर्सिव में ही लिखना है विदाउट करसिव आप ऐसे नहीं लिख सकते ए बी सी तो मैं क्या करूंगी इसको इसको मैं कर दूंगी कट और इसमें आपको मिलेंगे जीरो मार्क्स ठीक है तो ऐसे नहीं लिखना बल्कि ये कर्सिव लेटर होते हैं सारे लेटर आपको कर्सिव में ही लिखने हैं अब अगर आप एक भी कर्सेव नहीं लिखोगे तो आपके क्या हो जाएंगे रॉन्ग मैं कर दूंगी कट और मिल जाएंगे बड़े से गोल गोल अंडा ठीक है और मिल जाएंगे बाबूजी का डंडा यानी कि मैम का डंडा लग जाएगा ठीक है तो आपको सब में कैपिटल लेटर्स इन कर्सिव ही लिखनी है इस तरह से ए टू जेड ओके तो इस तरह से बच्चों आप अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना आपने कई बार लिखा है ए से जेड तक ठीक है सेकेंड क्वेश्चन आपके हैं राइट डाउन स्मॉल लेटर्स क्या है राइट डाउन स्मॉल लेटर्स इन कर्सिव ये भी आपको स्मॉल लेटर कर्से में लिखना है और कर्सेव में कैसे होता है ए टू जेड इस तरह से ना कि ए बी सी कुछ डिजाइन नहीं डी ठीक है तो मैं क्या करूंगी इसको मैं कर दूंगी कट लगा दूंगी यहां पे बड़ा सा जीरो ठीक है तो आपको इस तरह से नहीं लिखना है आपको लिखना है कर्सिव इस तरह से ठीक है बच्चों तो ये है आपको कैपिटल कर्सिव लेटर ये है आपको स्मॉल कर्सिव लेटर ए टू जेड ठीक है बच्चों आई होप कि आप दोनों लेटर मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ लाइन पे कैसे लिखना है स्मॉल लेटर कहां लिखा जाता है कैपिटल लेटर कहां लिखा जाता है मैंने कई बार सिखाया है इसलिए मैं आपको राइटिंग की प्रैक्टिस भी करा रही थी तो बहुत अच्छे से बच्चों लिखना ताकि मैं चाहती हूँ सारे के सारे बच्चों फर्स्ट डिविजन आओ ओके बच्चो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थ्री नंबर है राइट टू वर्ड्स क्या लिखना है राइट यानी कि लिखना है आपको टू वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग फॉनिक यानी कि जो आपको दिया गया है उस फोनिक वर्ड आपको लिखना है राइट टू वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग फोनिक अब आपको फोनिक वर्ड्स क्या है ये है ए टी क्या है बच्चों टी तो ए टी से ही दो वर्ड लिखना है तो आप क्या क्या पढ़े हो ए टी से कैपिटल नहीं है स्मॉल लेटर मैंने सिखाया है सी ए टी कैट तो ये ए टी कहां आ गए यहां तो ये ए टी आपके लास्ट में होना चाहिए ठीक है या फिर एफ एफ ए टी फैट करो ठीक है ये ए टी आ गए तो जब आप इस लाइन में है तो इसी लाइन में आपको दोनों एटी से होना चाहिए ठीक है बच्चों? तो मैंने आपको बताया है कि सामने के लेटर कुछ भी हो सकते हैं लेकिन ये ए अगर यहां दिया गया है तो आपको फोनिक में ए ही लिखना है ठीक है आप पढ़ चुके हो एन से है तो आप क्या लगा सकते हो बी एन ऐसे ही कर्सिव में ही लिखना है बच्चों ठीक है लाइनिंग आपकी बनी हुई रहेंगी क्वेश्चन पेपर में आपको अलग सा कोई भी पेपर में नहीं लिखना है आपको इसी में लिखना है बी ए एन बैन या फिर सी ए एन कैन ये देखो ये ए एन है ना ये ए एन है ए एन है ठीक है तो इस तरह से बच्चों आपको लिखना है ए एम में क्या है ए एम अब बताओ ए एम में क्या होता है जे ए एम जैम ठीक है आर ए एम रैम आप कुछ भी लगा सकते हो ठीक है पी ए एम पैम एस एम सैम आप सामने में कुछ भी लगा सकते हो ठीक है और ए एम लेकिन लगाना है यहां देख करके ही लगाना ये नहीं इसको देख करके यहां लिख दो इसको देख करके यहां लिख दो इसको देख करके और नीचे लिख दो ठीक है नहीं इसके सामने में ही लिखनी है ठीक है बच्चों आई बात समझ में तो इस तरह से आपने जितने भी फोनिक वर्ड्स आपने पढ़ा है मैंने सब दिया है सब है टू टू ठीक है टू टू ही फोनिक वर्ड्स लिखना उससे ज्यादा नहीं लिखना है यहाँ पे दिए हैं क्वेश्चन में आपको टू तो आपको टू ही लिखना है ठीक है ना बच्चों ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके फोर नंबर फिल इन द ब्लैंक्स क्या बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है ए मैन रैन टू द सारे फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने एक साथ दे दिया है तो ये क्या है ए मैन रैन टू द मैन कहा दौड़ता है कैब के लिए ए मैन रैन टू द कैब ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैड हैज ए लैड के पास क्या था लैड के पास रैम था ठीक है द लैड हैज ए रैम इन द कैब तो आप याद करो कैब के अंदर में लैड बैठा था और लैड के पास क्या था रैम था नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों ए फिल इन द ब्लैंक्स इज इन द कैब और कैब के अंदर में कौन है ए लैड इज इन द कैब कौन है ए लैड इज इन द कैब तो लैड है तो आप लैड लिखो जो भी है आप क्वेश्चन पेपर में देख करके लिख सकते हो ठीक है तो आपको पता है कि कैब के अंदर में कौन था ए लैड इज इन द कैब ठीक है और यहाँ पर तो आप पढ़ चुके हो द लैड हैज ए रैम इन द कैब ठीक है क्वेश्चन में आपने देख लिया है ना तो इस तरह से क्या है ए इज इन द कैब आप यहां पे फिल कर देना फोर्थ वन है क्या बच्चों आपका ए इज ऑन ए मैट ए कैट इज ऑन ए मैट ठीक है तो कुछ भी मैंने बोला था कि या तो यहां पर ब्लैंक आएंगे या फिर ब्लैंक यहां पर रहेंगे ठीक है ब्लैंक दोनों साइड में भी हो सकते हैं तो आपको देखना है ए कैट इज ऑन ए मैट ठीक है तो आप देख लेना बच्चों कौन सा है आंसर और या फिर मैट के ऊपर में कौन बैठा है ए कैट इज ऑन ए मैट मैट के ऊपर में कौन है तो आप अच्छी तरह से अपनी बुक देखो चैप्टर रीड करो और अच्छी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करो ओके फिफ्थ वन है ए फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑन द बैग बैग के अंदर में कौन है ए फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑन द बैग बैग पर क्या है बैग पर क्या है टैग ए टैग इज ऑन द बैग बैग उसका न्यू था ना वो बच्ची का आप याद करो चैप्टर टू में था बैग में क्या था टैग लगी हुई थी तो ए टैग इज ऑन द बैग ओके ए कैन ऑफ जैम इज इन माय बैग ए कैन ऑफ जैम इज इन माय बैग तो इस तरह से क्या करना है आपको जैम की पिक्चर यहां पर जैम का आपको करना है आप बुक पढ़ो सारे बुक में जो भी आपको फिलिंदा ब्लैंक्स मैंने दिया है आप उसको करो ठीक है उसके बाद क्या है बच्चों लास्ट क्वेश्चन ए मैन इज सिटिंग ऑन द क्या ए मैन कहा बैठा हुआ था सिटिंग ऑन द मैट में बैठा हुआ था तो अंदर में सब आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है ठीक है बच्चों? आई बात समझ में तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्या है आपके रिविजन है आपको अच्छी तरह से बनाना है ठीक है तो यहां पर मैं लिख दे रही हूं ए कैट इज ऑन ए मैच, ए टैग इज ऑन द बैग ए कैन ऑफ जैम इज इन माई बैग ये क्या है ड इज इन द कैब ओके ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिफ्थ नंबर राइट द फॉलोइंग लेटर्स इन स्मॉल कर्से अब आपको यहां पर लिखा है स्मॉल कर्से में लिखना है राइट द फॉलोइंग लेटर्स हाँ जो लेटर आपको दिया है इसको आपको स्मॉल इस लेटर में लिखना है हम ठीक है तो कैसे भी लिखा रहेगा या फिर कर्सिव रहेगा या फिर सिंपल लेटर में लिखा रहेगा आपको क्या बनाना है आपको सिर्फ स्मॉल कर्सिव में ही लिखना है जो भी राइट द फॉलोइंग लेटर्स दिया रहेगा आपको उसको स्मॉल कर्सिव में लिखना है तो ये है आपके कैपिटल जी इसको स्मॉल कर्सिव में लिखना है कर्सिव मतलब खूब सुंदर सा डिजाइन बना करके छोटी राइटिंग में लिखना है ठीक है तो ये हो गया आपके जी ये तो सिंपल एल के जी वाले बी हैं आप स्मॉल कर्सिव लेटर में बी कैसे पढ़े हो ऐसे है ना तो इस तरह से आपको बी बनानी है सुंदर सी ये क्या है बच्चों एम तो सुंदर सी एम बनानी है स्मॉल कर्सिव में इस तरह से ठीक है ये है बच्चों बड़ी सी के जो आपने एल केजी में पढ़ा है स्मॉल के बनानी है तो आपको बनानी है इस तरह से ठीक है बच्चों आई बात समझ में यहां पे स्मॉल करसिफ दिया है नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बच्चों आपका सिक्स नंबर में राइट द फॉलोइंग लेटर्स इन कैपिटल कर्से अब ये आपको यहाँ पर लिखा है कैपिटल कर्से में लिखना है तो क्वेश्चन को स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से देख के लिखना है ओके स्टूडेंट राइट द फॉलोइंग लेटर्स इन कैपिटल कर्से कैपिटल अब ये है आपको एल के जी वाले टी आपको कैसे टी बनानी है ऐसे ओके okay? कट मत करना नहीं तो बन जाएंगे एफ फॉर फॉक्स और वो कट कर देंगे आपको ये है बच्चों ए आपको कैपिटल कर्से बनाना है तो सुंदर डिजाइन में आप बनाओ ए बन गया ए यस नेक्स्ट लेटर हम लोग देखते हैं ये है बच्चों आपका एफ और एफ कैसे बन जाएंगे आपके बिल्कुल पी की तरह लेकिन हो जाएंगे ये कट ये बन जाते हैं आपके ये रहा एफ एफ फॉर फॉक्स एफ फॉर फिश ओके और ये है बच्चों सिंपल एल के जी वाले ब्लॉक लेटर के एल और आपको कैपिटल बनानी है एल तो आप सुंदर से बनाओ एल फॉर लॉयन ओके तो लॉयन आपको नहीं कट करेगा क्योंकि आपने सही बनाया है क्या बनाया है आपने कैपिटल कर्सिव लेटर ओके आप समझ गए हो इस तरह के एग्जाम के अगर क्वेश्चन आएंगे तो बच्चों आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है बहुत अच्छी तरह से आपको लिखना है ओके बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये बच्चों मैच द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग का मतलब होता है आपको वन साइडेड में हो सकता है पिक्चर दिए रहेंगे या फिर लेटर तो आपको पहचानना है ये किस चीज की पिक्चर है और इसका नाम यहाँ पर क्या क्या है तो हम लोग पहले नेम पढ़ते हैं टी ए पी टैप बी ए टी बैट सी ए पी कैप और जी ए एस गैस अब देखो आप ये किसकी फोटो है ये एलपीजी गैस सिलेंडर की फोटो है तो आप यहां से उठाओ गैस खोजो ये गैस है नहीं ये बैट है ये गैस है नहीं यहां है गैस तो इसको क्या करनी है इसके साथ इसके घर तक पहुंचा देनी है पहुंचा दी मैं इस गैस को ले गई यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक पहुंचा दी हूँ तो ये है बच्चो मैच द फॉलोइंग तो इस तरह के बच्चों अगर मैच द फॉलोइंग आएगा तो प्लीज बच्चों आप ध्यान से अच्छी तरह से उनको उनके नाम के पास तक पहुंचा देनी है उनके घर तक ठीक है तो आप देख लो ये टैप की फोटो है ये बैट की पिक है ये कैप की पिक है और ये गैस की पिक है ठीक है बच्चों तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख दी हूं ठीक है आप इसको अच्छी तरह से बना लेना ओके आपके क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों नेम द पिक्चर्स क्या बच्चों नेम द पिक्चर्स अब जो पिक्चर्स हैं आपको क्या करना है उसमें ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एट नंबर नेम द पिक्चर्स अब इस पिक्चर का आपको नाम लिखना है तो आप ये देखो ये क्या है हिंदी में इसको सड़क बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं फोनिक वर्ड्स में आपने देखा है तो फोनिक वर्ड्स में जो भी आपके पिक्चर्स हैं आपको ध्यान से लिखना है आपको लिखना है डब्ल्यू ए वाई से ए और वाई का हाथ पकड़ लो अच्छी तरह से वाई ये हो गया वे तो इसको क्या है ये वे की पिक्चर है तो आपको पिक्चर का नाम लिखना है यहाँ लिखा है नेम फर्स्ट लेटर नहीं बोला है आपको क्या बोला है पिक्चर का नाम लिखने के लिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा वे ये नहीं कि आप डब्ल्यू लिख करके छोड़ दो ठीक है चाहे आर फॉर रोड होता है तो आर लिख करके छोड़ दो नहीं आपको क्या लिखना है डब्ल्यू ए वाई वे पूरा लिखना है नेम द पिक्चर्स में लिखा हुआ है नेम द पिक्चर्स पिक्चर्स का नाम लिखो ये क्या है छोटा सा बैग तो आपको क्या करना है बच्चों बी ए जी बैग ठीक है नेक्स्ट देखो बच्चों फोटो आप क्या है ये पिक्चर यस आप तो जानते हो ये है फैन और आप विंटर सीजन में खूब ज्यादा फैन चलाते ना नहीं आप चलाते हो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो फैन यूज होता है ठीक है तो फैन की स्पेलिंग क्या होती है एफ ए एन फैन ओके अब ये क्या है यस yes, ये है मैट की पिक्चर तो आपको बनानी है एम ए टी मैट तो इस तरह से बच्चों आपको एग्जाम में पिक्चर्स आएंगे तो आपको इस तरह से नीम द पिक्चर्स रहेगा तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा आई बात समझ में बच्चों आ गए अच्छी तरह से तो बच्चों आप बहुत अच्छे तरह से इसको प्रैक्टिस करो ठीक है ये है आपके इंग्लिश रिविजन के क्वेश्चन क्या है बच्चों इंग्लिश रिविजन के क्वेश्चन ठीक है तो ऑल द वेरी बेस्ट मुझे फर्स्ट चाहिए और आप भी आओगे फर्स्ट मुझे पता है तो ओके बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट तैयारी अच्छे से करो ओके बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर